T20 वर्ल्ड कप का 49th मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस यूएसए, कौन सी टीम जीतेगी बताऊंगा। और भाई मेरे, जैसे कि मैच हो रहे हैं आप देख सकते हो, इंग्लैंड लास्ट मैच साउथ अफ्रीका से हार के आ रही है। और वो वाला वीडियो जिसने देखा था, पहले ही बोला था वीडियो में फर्स्ट बैट का एडवांटेज है, फर्स्ट बैट पकड़ के चलिएगा प्रॉफिट में जाओगे, वैसा ही हुआ मैच, जिसने देखा मोटा माल कमाया। तो एक और धमाकेदार मैच है यूएसए, क्योंकि यूएसए पाकिस्तान को एलिमिनेट करके आई है और साउथ अफ्रीका को काफी टफ कॉम्पिटिशन दी है, मैच में जीतते जीतते हार गई है। तो चलिए इंग्लैंड वर्सेस यूएसए कौन सी टीम जीतेगी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इंग्लैंड स्ट्रेट मैच जीत रही है तो क्या सेशन कैसे करोगे, मैच में सेशन कैसे कमाओगे, सेशन में ही मोटा माल कमा के उठोगे जितना मैच में नहीं कमाने वाले हो। तो 10 ओवर 6 ओवर 6 ओवर 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर क्या कौन सा सेशन यस होगा, कौन सा नॉट होगा वीडियो में बताऊंगा। समझ लो मैच को, कैसा मैच होने वाला है, पिच कैसा बिहेव करने वाला है, प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, टीम न्यूज क्या है, ड्रीम 11 टीम अगर बनाते हो उसका भी टीम देने वाला हूं। सारा इस मैच से रिलेटेड आपका डाउट सॉल्व होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखो 23 जून को संडे को मैच खेला जाएगा 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किंगस्टन ओवल में और बारबाडोस में मैच खेला जाएगा। टेम्परेचर नॉर्मल रहने वाला है, बारबाडोस में जितने भी मैच हुए हैं फर्स्ट बैट को एडवांटेज रहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 9319409525, नंबर सेव करो, कांटेक्ट कर लेना, मैच और सीजन में डाउट हो, पूछना हो क्या होने वाला है। बाकी मैं टेलीग्राम पे ओपन आते रहता हूँ, फ्री यहाँ पे आते रहता है मैच, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिंक पे क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना, साथ में कमेंट में दे दूंगा सुविधा के लिए। देखो फेक और फर्जी से बच के रहना, नंबर ही मेरी पहचान है, नंबर वेरीफाई कर लेना अगर किसी टेलीग्राम चैनल अभी भी गलत जगह ज्वाइन हो, पहले तो सजेस्ट करूंगा लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करो। अब यूएसए इंग्लैंड, देखो यूएसए तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है, इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड जीतती है क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन हाँ सबसे डेडली ग्रुप है ग्रुप नंबर 2, यूएसए इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज है, जहां वेस्ट इंडीज का और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका तीन टीम में से दो टीम ही जाने वाली है। तो बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड के हिसाब से। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, बारबाडोस 29 मैच हो चुके हैं, 19 फर्स्ट बैट 10 सेकंड बैट जीती है, 160 का एवरेज स्कोर है, 224 वेस्ट इंडीज में बनाया है, अफगानिस्तान 80 पे 10 लोएस्ट है, स्कोरिंग पैटर्न बिलो 150, 10 मैचों में 150 से 69, 8 मैचों में 170 से 89, 7 मैचों में अबव 190, 4 मैचों में स्कोर है, स्कोर एवरेज स्कोरिंग पिच है, स्लो विकेट है, फर्स्ट बैट को एडवांटेज रहता है, हाईएस्ट 172 से ज्यादा चेस ही नहीं हुआ इस पिच पे। अब बात करेंगे, देखो मैच तो आपको इंग्लैंड के फेवर में होने वाला है, चाहे सेकंड बैट पे आए या फर्स्ट बैट पे, इंग्लैंड हावी पड़ने वाली है यूएसए पे, इस बात का ध्यान रखना। अब रिसेंट मैच का रिकॉर्ड देख सकते हो, 128 रन लगा चेस हुआ वेस्ट इंडीज, 181 रन डिफेंड हुआ, 201 डिफेंड हुआ, 155 चेस हुआ है। इस सीजन वर्ल्ड कप में 7वां मुकाबला खेले जाने वाला है, 6 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं इस पिच पे, 109 टाई हुआ, 164 डिफेंड हुआ, यानी कि 160 प्लस स्कोर, डिफेंडेबल स्कोर देखा जा रहा है इस मैच में भी। हालांकि इंग्लैंड हॉट फेवरेट टीम है, इंग्लैंड जीती, पिच स्लो है, सेकंड बैट करते हुए टीम को बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बैट बॉल पर नहीं आ रहा है, टर्न कर रहा है, थोड़ा स्विंग भी कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैच देखो, पेसर के साथ साथ स्पिन भी बिगड़ लेते हुए नजर आएंगे, जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होगा स्पिनर को भी यहाँ पे अच्छा विकेट मिलेगा, स्लो विकेट है, स्पिन को ज्यादा मदद मिलेगी इस पिच पे, स्पिनर और टीम में हर टीम में देख रहे हो अपने पेसर पेस अटैक को ज्यादा बेंच करके और स्पिन अटैक को आगे ला रही है टीम हर मैच में। देखो यूएसए 150 बिलो बनाएगी, ज्यादातर स्कोर नहीं बनाएगी, वही इंग्लैंड की बात करें 160 प्लस स्कोर आसानी से बनाएगी मैच में, अटैकिंग मोड में खेलने वाली है, अगर फर्स्ट बैट पे यूएसए आ जाए अटैकिंग मोड में खेल के यहां पे जीतने वाली है, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है इंग्लैंड के लिए। हेड टू हेड अभी तक दोनों टीम पहली बार खेलने वाली है, एक भी मैच नहीं हुआ है T20 फॉर्मेट में, और इंग्लैंड जहां डिफेंडिंग चैंपियन है, जैसा कि आपको मालूम है 2022 की चैंपियन, 2010 की चैंपियन है और रनर अप रह चुकी है 2016 की, जहां वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड 2016 इंडिया में ही मैच हुआ था, कोलकाता में मैच हुआ था, इंग्लैंड रनर अप रही थी। रिसेंट फॉर्म यूनाइटेड स्टेट 2-2 मैच हार के आ रही है, इंडिया से भी आ रही है, लास्ट 3 मैच हार के आ रही है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने काफी शानदार मैच खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका को अच्छा मतलब 6-7 रन से हारी थी इंग्लैंड, वहां पे जीता हुआ मैच था, कलरफुल मैच हुआ था। टीम न्यूज बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट एरन जोन्स स्क्वाड को लीड करेंगे, बटलर जहां इंग्लैंड को लीड करेंगे, कोई इंजरी अपडेट नहीं है। हाँ मोनाक पटेल जो कि प्रीवियस कैप्टन थे अभी भी इंजर्ड चल रहे हैं, तो चांसेस कम है कि खेलेंगे, एरन जोन्स यहां पे कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे।
और फैंटेसी टीम से पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं, टीम का प्लेइंग 11 क्या रहने लो। स्टीवन टायलर, एंड्रे गॉस, नीतीश कुमार, एरन जॉन्स, कोरी एंडरसन, मिलिंद कुमार, हरमीत सिंह और नतूस किंजे, अली खान, सौरभ। वही बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ से, फिल सॉल्ट, जस बटलर, हैरी ब्रूक, जॉनी वेस्टर, मोइन अली, लियाम लिस्टन, सैम करन, जोपरा आर्चर, आदिल हसन, मार्कुड, रिस्टोपले प्लेइंग 11 रहने वाले हैं। दोनों टीम के प्लेइंग 11 आपके सामने है। इंग्लैंड एक तरफा मुकाबला जीतने वाले आपको मालूम है, लेकिन सेशन कैसे करोगे, कब यस करोगे कब नॉट करोगे। देखो स्लो विकेट है यूएसए का, मोस्टली अगर 8 का भी रन रेट मिल जाए नॉट मार के चलना, जीतोगे पक्का है। इंग्लैंड अटैकिंग मोड में खेलेगी, फर्स्ट बैट में इंग्लैंड आती है, जिसके कारण आपको इंग्लैंड का सेशन बता दूं, 45 मिले 6 ओवर यस करना, 70 मिले 10 ओवर यस करना, 115 मिले 15 ओवर यस करना, 165 मिले आसपास या बिलो, ये सब बिलो मिले यस करके चलना, ध्यान रखना सेशन आप जीतोगे। अब यहाँ पे देखो इंग्लैंड का प्लेइंग 11 का यहाँ पे देख लो, जहाँ लीडिंग विकेट टेकर है जोपरा आर्चर, आदिल हसन यहाँ पे भी अच्छा करने वाला है मैच में, आदिल हसन स्पिन अटैक को लीड कर रहा है, जहाँ जोपरा आर्चर पेस अटैक को, डेथ में भी बैटिंग है लियाम लिस्टन, सैम करन, जोपरा आर्चर भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता है, बैटिंग तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट दो बैट्समैन छोड़ के, कोई एरन जॉन्स, स्टीवन टायलर के छोड़ के कोई यहाँ पे परफॉर्म करने वाला नहीं है। बॉलिंग एवरेज है, एक सौरभ नेतलवर्कर को छोड़ के बॉलिंग एवरेज है। डी मिलॉन टीम बना रहा हो, जस बटलर, फिलिप सॉल्ट, एंड्रे गॉस, जॉनी वेस्टो, एरन जॉन्स, मोइन अली, लियाम लिस्टन, टायलर, राशिद खान, जोपरा आर्चर, नेटवर्क, सौरभ नेतलवर्कर, ये आपने टीम में लेना। कैप्टन किसको बनाओगे, देखो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन देखो इंग्लैंड अगर फर्स्ट बैट पे आती है तो फेवर में जाएगा, अटैकिंग मोड में खेलने वाली है, कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो। और यहाँ पे वाइस कैप्टन जोपरा आर्चर विकेट अच्छा लेने वाला है, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है राशिद खान, दो कैप्टन दो वाइस कैप्टन का। जस बटलर अभी तक उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं है, उम्मीद करता हूँ मैच में अच्छा करेंगे, फॉर्म में आएंगे, कुछ चेंजेज होगा यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, अपडेट हर मैच से पहले टीम का अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ, ज्वाइन कर लेना। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल, फिर से बोलूंगा फेक और फर्जी से बच के रहो, अगर 100% एक्यूरेसी मैच और सेशन में चाहिए ज्वाइन कर लो, जो ज्वाइन है मोटा माल कमा रहे, आप भी ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, अभी भी कुछ डाउट है पूछना हो मैच से रिलेटेड कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो अच्छा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो यहाँ पे अपलोड होते आ रहे हैं, होते भी रहेंगे आगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो जरूर लाइक करना।